कुमारों ने जाकर के बताया है श्रृंगी ऋषि को, जो समीप ऋषि के बेटे थे श्रृंगी ऋषि, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो उनको जाकर के बताया है कि आपके पिता के गले में दिल्ली का राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है, आपके पिताजी का अपमान किया है। जो ही इतना सुना है, आज श्रृंगी ऋषि ने बड़े क्रोध में आ गए हैं श्रृंगी ऋषि, और गंगा जी में कहने लगे हैं, श्राप देने लगे, अरे सावधान हो जाए, सावधान ओ तक्षक, जीवित हो जाओ और आठवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। श्रृंगी ऋषि ने आज श्राप दे दिया है अंदर ही अंदर गंगा जी के अंदर। मेरे भागवत प्रेमियों, बोला समलिए थे ताती, कुछ खबर कीजिए इस गति की, और देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की, वह नीच आज सर्प को डाल, वह नीच आज सर्प को डाल, अभिमान जताने आया था, मूर्ख ने दिल लगी करने को बूढ़ा तपस्वी पाया था, मेरे भगवत प्रेमी। आज श्रृंगी ऋषि ने कहा है, बोला समलिए धे तात, कुछ कदर करिए इस गति की, और देखने लायक है काली करतूत परीक्षित, वह नीच आज सर्प को डाल, अभिमान जताने आया था, और मूर्ख ने दिल लगी करने के लिए बूढ़ा तपस्वी ही पाया था। श्रृंगी ऋषि ने आज श्राप दे दिया। इधर श्रृंगी ऋषि श्राप देकर अपने पिता के पास में आ जाते हैं, और पिताजी से कहने लगे हैं, अरे पिताजी, तुम्हारे गले में जो सांप डाल करके गया था, उससे मैंने भी उसे करनी का दंड दे दिया है। जो ये इतना सुना है, आज समीप ऋषि ने, समीप ऋषि की समाधि खुली और कहने लगे, अरे बेटे, तूने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो राजा है ना, बड़ा अच्छा राजा है, वह राजा धर्म पर चलने वाला राजा है, किसी चांडाल चौकड़ी में फंस करके उसने ऐसा किया है। अरे बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब उठो, सूचना उसे कर दी जाए, जाओ परीक्षित से कह दो, क्योंकि वह भी अपने मरने का उपाय कर ले। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर जैसे ही परीक्षित को पता चला कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, महाराज परीक्षित हंसे, खूब हंसे। आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज परीक्षित क्यों हंसे? उनको अपनी मृत्यु की पता चल गया, क्यों हंसे? क्योंकि वह यूं हंसे, महाराज परीक्षित, जिसको अपनी मृत्यु का पता चल जाए, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा, दोस्त यार संगे यारों को बुलाएगा, लेकिन
महाराज परीक्षित को वैराग्य हो गया। महाराज परीक्षित को वैराग्य हो गया। जो राजा राज सुना करता था, आज वो राजा वैराग्य विचार रहा है। जो राजा मेरे भागवत प्रेमियों सोने की मोहरे गिनता था, वो आज मौत की घड़ियां गिन रहा है, मौत की। जो राजा मखबली गद्दों पर सोता था, आज वो रेती के बने सिंहासन पर सो रहा है। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर महाराज परीक्षित की मृत्यु का पता जब संत लोगों को पता पड़ा, तो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा लोग उनकी मृत्यु का उपाय करने के लिए आए, लेकिन उपाय नहीं कर पाए। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, इस तरह महाराज परीक्षित को श्राप हो जाता है। इधर श्री सूत जी महाराज बोले हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, एक बार करतल कर वीणा और गावत हरि गुण गान प्रभीणा। एक बार देव ऋषि नारद अपनी वीणा को बजाते हुए सुंदर गीत गाते हुए और यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। किस तरह सभी मेरी माता बहनें मुखारविंदों से गाएंगी। श्रीमन नारायण 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 Thank you.
आज मेरे भागवत प्रेमी